हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बसक मांगा के फैंटेसिया आर्क चैप्टर 365 लल ऑफ वेनी मून से। इस मांगा को लिखा है केंटारो म्यूरा ने, जिसको अब कंटिन्यू कर रहे हैं उनके असिस्टेंट कोजी मोरी। चैप्टर 364 के लास्ट में रिवील होता है कि मून लाइट बॉय और कोई नहीं बल्कि ग्रिफिथ है, जो फुल मून में एक छोटे बच्चे में बदल जाता है। इसके और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक डेडिकेट वीडियो भी बनाऊंगा। चैप्टर 365 की स्टार्टिंग में एल फिल्म में एक अजीब सा डिस्टर्बेंस होती है। वहीं पग भी एल फिल्म में घूम होता है कि अचानक उसे आइलैंड में इविल एंटिटी महसूस होता है, जो इज्मा की माँ और दूसरे मरमेट्स को भी होता है। साथ ही ग्रिफिथ की इविल पावर एल्फिल्म के दूसरे क्रिएचर्स को भी होता है, जो उस सेंस से समझ जाते हैं कि एल्फिल्म में एक बहुत ही बुरी ताकत आ चुकी है। वहीं मूनलाइट बॉय को गर्ल्स के पास दे कास्का मूनलाइट बॉय को लेने के लिए बाहर जाती है, जिसे जाते हुए श्रीकी भी नोटिस कर लेती है। लेकिन इसका आइडिया इविलेरा को भी नहीं है और वो अपना काम छोड़ जाकर देखती है कि कास्का दरवाजे पर खड़ी है। श्रीके बाहर दिखती है कि गर्ल्स के सामने कोई है, जो और कोई नहीं बल्कि ग्रिफिथ है, जिसकी इमेजेस उसने गर्ल्स के मन में देखी थी। ग्रिफिथ की मौजूदगी में, जो खुद गॉड हैंड फेम्टो भी है, कास्का का ब्रांड फिर खुल जाता है, जिसे कास्का को अचानक ही तेज दर्द होता है और उसे खुद के इलेन होने के दौरान की मेमोरी, जो कि कन्विक्शन आर्क और उसके बाद की रही थी, सारी मेमोरीज याद आ जाती है। कास्का के गॉड हैंड के प्रेजेंस में दर्द तेजी से बढ़ने लगता है और उसका ब्रांड फट पड़ता है। श्रीके पर भी ग्रिफिथ का जबरदस्त असर होता है और वो एस्ट्रल वर्ल्ड में ग्रिफिथ के असली रूप को देख पा रही है। वही गर्ल्स को भी तेज दर्द हो रहा है और तो और उसका गुस्सा फिर जागने लगता है, जिस मौके की तलाश उसके ब्लैक बर्सर्कर आर्मर को है। गर्ट्स किसी तरह अपने आर्मर पर काबू कर तेजी से ग्रिफिथ की ओर बढ़ता है, जिस मौके की तलाश उसे एक जमाने से थी, और आगे बढ़ते ही तेजी से तलवार निकाल पूरी ताकत से ग्रिफिथ पर हमला करता है। गर्ट्स के इस हमले को ग्रिफिथ भी देख लेता है, लेकिन वो खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं करता और ड्रैगन स्लेयर उससे होकर गुजरती है। लेकिन गर्ट्स देखता है कि ग्रिफिथ वहां नहीं है बल्कि उसके पीछे खड़ा है। वो बिना एक पल गंवाए दूसरा हमला उतनी ही तेजी से करता है, लेकिन ये हमला भी ग्रिफिथ के अंदर से निकल जाता है और ड्रैगन स्लेयर के ऊपर बस ग्रिफिथ का एक बाल ही आता है। लेकिन ग्रिफिथ के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है और वो अभी भी उतनी ही शांति से उसे देख रहा है। ये देख गर्ट्स का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो कई हमले ग्रिफिथ पर करता है, जिसका कोई भी असर ग्रिफिथ पर नहीं होता। गर्ट्स के सभी वार खाली ही जाते हैं। वहीं श्रीके कब एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंच जाती है उसे पता ही नहीं चलता, और एस्ट्रल वर्ल्ड में ग्रिफिथ उसे एक लाइट सोर्स की तरह दिखता है, जो अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर खींच रही है और श्रीके के लिए भी खुद को रोके रखना मुश्किल होता जा रहा है। उस लाइट सोर्स के अंदर उसे एक आकृति दिखती है कि तभी श्रीके को फार्मेसी की आवाज आती है, जो श्रीके को उस भवन में जाने से रोक लेती है। श्रीके बताती है कि वो जो भी है उसकी ताकत जबरदस्त है, जो अपने आसपास की हर चीज को सोख रही है। श्रीके फार्मेसी से अपने मन को एक कर वहां से तुरंत ही बाहर निकलने को कहती है और दोनों ही बाहर आ जाते हैं, जहां फार्मेसी ने कास्का को संभाल रखा है कि तभी उसका ध्यान गर्ट्स की तरफ जाता है, जो फुल रेश में ग्रिफिथ से लड़ रहा है। दोनों अभी भी कंफ्यूज हैं, गर्ट्स को देख रहे हैं कि गर्ट्स एक आदमी पर फुल रेज से टूट पड़ा है। वहीं पग भी आकाश में चांद की तरफ देख रहा होता है, जहां चांद की रोशनी में वर्ल्ड ट्री के इनविजिबल ब्रांचेस को भी देखा जा सकता है, और उसे दोबारा कुछ महसूस होता है, जैसे कोई आ रहा है कि तभी वर्ल्ड ट्री की एक शाखा फटता है और एक चीज तेजी से पग के पास से नीचे की तरफ बढ़ती है, और बढ़ते हुए उसका पंजा सीधे गर्ट्स के सिर पर होता है। गर्ट्स खतरा भांप लेता है और सही समय पर रास्ते से हट जाता है, जो सीधे जमीन से टकराती है। गर्ट्स संभलते ही सामने देखता है कि सामने इमॉर्टल जॉर्ड अपने मॉन्स्टर्स फॉर्म में खड़ा है, जो ग्रिफिथ को गार्ड करने के इरादे से वहां आया है। ग्रिफिथ पर गर्ट्स से खतरा देख वो तुरंत ही गर्ट्स पर टूट पड़ता है, लेकिन एन मौके पर गर्ट्स वहां से हट जाता है। लेकिन ये भी काफी नहीं है, जॉर्ड का दोबारा हमला होता है, जिसे गर्ट्स अपने ड्रैगन स्लेयर पर ले लेता है। वहीं इन सबसे दूर आइलैंड की दूसरी तरफ दिन भर के काम के बाद लेडी दनान इसीद्रो इज्मा सर्पिको के साथ वापस लौट रही होती है, और सर्पिको लेडी दनान से वापस जाने की परमिशन मांग वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी दनान को कुछ महसूस होता है। तभी इज्मा को पीछे से गिरने की आवाज आती है और वो पलटकर देखती है कि लेडी दनान जमीन पर गिरी हुई है। सर्पिको और बाकियों को लगता है कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन लेडी दनान बुरी तरह से डरी हुई है, जैसे कि सब कुछ खत्म होने वाला है। वो एक बड़े खतरे को महसूस कर सकती हैं, जो एल फिल्म की धरती पर एक के बाद एक निकल ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रिफिथ कास्का की तरफ बढ़ता है और ये देख गर्ट्स भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। गर्ट्स को लगा कि कास्का और बाकियों की जान खतरे में है और ग्रिफिथ का हाथ बढ़ाते देख वो उस पर हमला करता है। ग्रिफिथ गर्ट्स का हमले को रोकने की कोई कोशिश नहीं करता कि तभी ग्रिफिथ पर एक जबरदस्त हमला होता है, लेकिन तलवार ग्रिफिथ को छूने से पहले ही रुक जाती है, जो कि गर्ट्स ने खुद ऐसा किया जो उसने कास्का को अपने हमले से बचाने के लिए किया, जो अभी ग्रिफिथ की बाहों में है। वहीं अचानक ही एल फिल्म की मेन ट्री चेरी ऑफ ब्लॉसम के पत्ते एक झटके में खुद ही झड़ जाते हैं, और तो और वहां से तेज हवाएं चलती हैं और जमीन कांपने लगती है। गर्ट्स संभलने की कोशिश करता ही है कि तभी उसके चारों तरफ जमीन बिखर पड़ती है, और थोड़ी ही देर में वहां तेज भूकंप के झटकों की वजह से खाइयां बनने लगती हैं, और देखते ही देखते एल फिल्म आइलैंड टूटने लगता है। वहीं बेहोश कास्का को ग्रिफिथ अपनी
गोद में उठाकर वहां से निकलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों यहां पर चैप्टर 367 खत्म होता है। बसक मांगा का अगला चैप्टर 12 अगस्त को रिलीज हो चुका है, जिसमें हमें आगे की स्टोरी पता चलेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।